मुझे आपको इस सेशन में ये बताना है कि लोग हमें ज्यादातर ये शिकायत करते हैं कि सर हम कई सालों से दवाइयां ले रहे हैं, साइकेटिस्ट का इलाज ले रहे हैं, साथ साथ हमने बाबाओं का इलाज लिया, पंडितों से इलाज करवाया, हमने कई तांत्रिकों से कई इलाज किए, बहुत सारी चीजें की, बहुत सारा पैसा भी लगाया, बहुत सारा टाइम हमने इसके लिए लगाया, लेकिन रिजल्ट फिर भी कुछ नहीं आया। अभी हालत जो है पहले जैसी ही है या इससे खराब हुई है। तो क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों हम ठीक नहीं हो रहे हैं? तो इसका जवाब मुझे आपको इस सेशन में देना है। कोई भी मानसिक बीमारी में बीमारी की जो वजह है या बीमारी की जो जड़ है उस पर काम नहीं किया जाता है। तो सबसे पहले ये समझना है कि ये डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबिया क्यों खड़ा होता है। तो ये समस्या की वजह बस इतनी ही है कि व्यक्ति 21 दिन से ज्यादा नेगेटिव थिंकिंग कंटिन्यूस करेगा, नेगेटिव फीलिंग में रहेगा, तो ये फीलिंग इसके सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर हो जाती है। और एक बार कोई भी फीलिंग ट्रांसफर हो गई तो ये फीलिंग लाइफ टाइम की फीलिंग बन जाती है। जब तक व्यक्ति उसको रिमूव नहीं करता, माइंड से उसको हटाता नहीं है, तब तक ये फीलिंग इसके माइंड में ही रहता है और ये फीलिंग चलती रहती है। फिर व्यक्ति हमेशा सोचता रहता है कि मेरे दिमाग में हमेशा ऐसा ही सोच क्यों रहती है, मेरी हमेशा फीलिंग ऐसे ही क्यों रहती है। लेकिन ऐसे ही रहेगी क्योंकि ये डेटा इसके सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर हो चुका है। व्यक्ति जितनी नेगेटिव फीलिंग को निकालने की कोशिश करेगा, जितना नेगेटिव रिमूव करने की, दिमाग से नेगेटिव हटाने की कोशिश करेगा, इतनी ये ज्यादा आएगी। व्यक्ति इतना ज्यादा नेगेटिव होता है, ये सबका अनुभव है। तो इसके इलाज के लिए बस एक ही चीज करनी है कि व्यक्ति को उसके दिमाग में पॉजिटिविटी भरनी है, कॉन्फिडेंट भरना है, एनर्जी भरनी है। इस तरह की चीजें भर के दिमाग से वो नेगेटिविटी हटाता है और हमेशा के लिए ठीक होता है कोई भी मानसिक बीमारी से। और इसके लिए हमने एग्जाम्पल दिया है कि आप बाल्टी के अंदर साफ पानी भरते रहते हैं, लगातार भरते रहते हैं, तो गंदा पानी बाल्टी से बाहर जाता है। बस वैसे ही माइंड के अंदर आप पॉजिटिव फीलिंग भरते रहते हैं, कॉन्फिडेंट भरते रहते हैं, एनर्जी भरते रहते हैं, तो आपके दिमाग से सारी नेगेटिविटी, कमजोरियां, डिप्रेशन, फोबिया, सारी चीजें दिमाग से बाहर निकल जाएगी। लेकिन इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप अंदर पॉजिटिविटी भरते हैं तो ही नेगेटिविटी बाहर निकलेगी। आप जब तक पॉजिटिविटी या कॉन्फिडेंट एनर्जी भरते नहीं है तब तक कोई भी चीज बाहर निकलने वाली ही नहीं है। सारी चीजें माइंड में ही रहेगी और पूरी जिंदगी परेशान करती रहेगी। अब आप देखो, कोई भी साइकियाट्रिस्ट ट्रीटमेंट है, जो भी दवाई आप लेते हो, तो कोई भी दवाई में वो चीज नहीं है जो आपके अंदर पॉजिटिविटी भर सके। कोई भी दवाई ऐसी बनती नहीं है जो आपके अंदर कॉन्फिडेंट पैदा कर सके, आपके अंदर एनर्जी भर सके। ऐसी दवाई संभव ही नहीं है। या कोई तांत्रिक के पास गया, कोई धागा बंधवा के आया, तो इससे दिमाग के अंदर कॉन्फिडेंट खड़ा नहीं होता, इससे दिमाग के अंदर एनर्जी खड़ी नहीं होती है, इससे दिमाग के अंदर भरोसा, फेथ खड़ा नहीं होता है, इससे रिजल्ट नहीं आता। कोई व्यक्ति पंडित के पास गया, कुंडली दिखा के आ गया, कुंडली में ये लिखा है, ये मंत्र तंत्र कर लो, ये विधि कर लो, कर लिया। ये सब करने के बाद भी सबकॉन्शियस माइंड में जो नेगेटिविटी भरी हुई है वो तो रहने ही वाली है। वो नेगेटिविटी माइंड से रिमूव नहीं होती है तो रिजल्ट आने वाला ही नहीं है, यानी व्यक्ति मानसिक बीमारी से ठीक होने वाला ही नहीं है। ये चीज कोई डॉक्टर नहीं बताता है, ये कोई तांत्रिक नहीं बताता है, कोई पंडित नहीं बताता है। बस लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, लोग अपनी अपनी दुकान चला रहे हैं, प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं दे रहा है, इसलिए लोग ठीक नहीं हो रहे हैं। लेकिन आप लोग समझदार हैं, आपने वीडियो से कुछ चीजें समझ ली कि ये मामला कुछ अलग है। ये जो डिप्रेशन है या फोबिया है, ऐसी कोई दवाई से होने ठीक होने वाली चीज है ही नहीं। हमारी सोच नेगेटिव हुई, हमारा एहसास नेगेटिव हुआ, फोबिया में हमारा एहसास नेगेटिव हुआ। और आप भी जानते हैं ये सोच और एहसास अदृश्य होते हैं। अदृश्य चीजों को कोई भी दवाई ठीक नहीं कर सकती है तो रिजल्ट आने वाला ही नहीं है। तो आपने चाहे पहले कितना भी कुछ करवा लिया, चाहे डॉक्टरों से, चाहे बाबाओं से, तांत्रिक से, चाहे कितना लाखों रुपया आपने खर्च कर दिया, रिजल्ट नहीं आया था, वो आने वाला ही नहीं था। लेकिन हम जो चीज कर रहे हैं वो बहुत अलग है, क्योंकि हम प्रॉब्लम की जड़ पर काम कर रहे हैं। जहां पर प्रॉब्लम पड़ी है, यानी सबकॉन्शियस माइंड में प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम पर हम काम कर रहे हैं, प्रॉब्लम जड़ से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रॉब्लम होती है व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड में, और सबकॉन्शियस माइंड पर जब तक कोई काम नहीं होता तब तक रिजल्ट आने वाला ही नहीं है।
और आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं हिप्नोथेरेपी, आप एनएलपी कर रहे हो, आप ब्रीदिंग कर रहे हो, आप एफर्मेशन कर रहे हो, उसमें जो रिजल्ट आता है, उसमें जो काम होता है, आपके माइंड के गहराई पर होता है। तो आपको इसमें रिजल्ट आने ही वाला है। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ और अपने हर ग्रुप में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर व्यक्ति हमेशा के लिए पॉजिटिव रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे और कॉन्फिडेंट रहे। इस वीडियो के बारे में आपकी राय हमें कमेंट में बताइए, और आप हमसे कैसी वीडियो चाहते हैं ये भी हमें कमेंट में बताइए, ताकि हम आने वाले समय में आपको इस पर वीडियो दे सके। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि आने वाले हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे।